देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 1220 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, 4 स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि की गई है। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए एक व्यक्ति में भी कोरोना की पुष्टि की गई। स्टाफ नर्स के संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा है चिन्हित। तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि की गई है, क्या कुछ अपडेट है, किन किन में कोरोना का संक्रमण पाया गया है? देखिए, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी तमाम जो है जो पॉजिटिव मरीज हैं वो भी जा रहे हैं जिनका उपचार हो रहा है। ऐसे में एक प्राइवेट अस्पताल की 4 स्टाफ नर्सों में जो है कोरोना की पुष्टि हुई है। इस हिसाब से जो है अब और भी लोगों में संक्रमण फैलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जिनका उनके द्वारा उपचार किया गया है वो लोग जो संपर्क में हुए उन सब लोगों को भी अब क्वारंटीन किया जा सकेगा, क्योंकि लगातार जो इनके संपर्क में आए हुए लोग हैं उनको अब चिन्हित करने का काम भी शुरू हो गया है। एक 1220 तक जो है संख्या पहुंच चुकी है। लगातार जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं जो क्वारंटीन सेंटरों में हैं उनके सैंपलों की रिपोर्ट भी आने लगी है। आज सुबह ही जो 5 रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें जो है 4 स्टाफ नर्स और एक क्वारंटीन सेंटर में रखे गए एक व्यक्ति में जो है कोरोना की पुष्टि हुई है। अब सरकार की तरफ से भी लगातार दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं कि जो क्वारंटीन सेंटरों में लोग हैं उनके ज्यादा से ज्यादा सैंपल जो है जाँच की जा सके, उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके जिससे जो है उनको उपचार मिल सके या उनको जो है उनके घर के लिए भेजा जा सके, इस चीज पर भी अब विचार किए जा रहे हैं। जी जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।